तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम लोग। कहता है एक पार्टिकल मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। रेडियस ये जो है ये 5 मीटर है बच्चों, ठीक ना। जो रेडियस है वो 5 मीटर है, 5 एम्प्टी नहीं है, देयर इज एम स्प्रिंट। तो यहाँ पर जो सेंटर वो है, ये जो रेडियस है दैट इज 5 मीटर, ठीक ना। 5 मीटर की रेडियस है, तो किसी भी इंस्टेंट उस पार्टिकल पर, दिस पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट, ये फोर्स जो लग रहा है वो ऑलवेज जो है वो फोर्स टेंजेंशियल है। ऑलवेज जो फोर्स है वो टेंजेंशियल है, और इसी डायरेक्शन में ऑलवेज जो फोर्स है वो टेंजेंशियल फोर्स है, और इसी डायरेक्शन में हमेशा टेंजेंशियल लग रहा है, ठीक है। और जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट अस कंसिडर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हियर। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं यहाँ से लूँ, दैट इज़ ए डी आर वैक्टर, दिस इज़ द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, एंड दिस हैव द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स, बिकॉज ये दोनों, इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा, दैट इज़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। फोर्स वैक्टर इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डी आर वैक्टर इज अ वेरिएबल, बोथ वैक्टर आर वेरिएबल वैक्टर, बट किसी भी इंस्टेंट इनके बीच का एंगल जो है वो हमेशा थीटा 0 रह रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज हाउ मच वर्क इज डन। तो अगर मुझे इस फोर्स का वर्क डन निकालना है, तो सिंपली मैं ये निकालूंगा कि यहाँ पर ये फोर्स कितना वर्क करेगा। इसको निकालने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा कि फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल वर्क डन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और वेरिएबल वर्क डन का कॉन्सेप्ट है स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, ठीक ना। छोटे से फोर्स में, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में छोटा वर्क डन डी आर, एफ डी आर कॉस 0, मतलब एफ डी आर फाइनली दिस इज द स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू। तो हम लोगों को तो टोटल वर्क डन चाहिए ना प्यारे बच्चों, तो टोटल वर्क डन चाहिए, तो टोटल वर्क डन के लिए इसको मैं लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दूंगा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, ठीक है, तो वर्क डन 0 था, तो जब डिस्प्लेसमेंट आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी, ठीक है ना, तो वर्क डन डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू जो वर्क डन है वो एफ बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, और ये इंटीग्रेट होकर 2πr बनेगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, सबको वैल्यू रखना। फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन, 2π के टर्म में सोल्यूशन चाहिए ही, और जो रेडियस है वो 5 है, तो यहाँ से 10 मतलब 100π जो है, इतना जूल इसका वर्क डन होगा, मतलब ए ऑप्शन सही है। सॉरी बच्चों,